हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम ब्लड हाउंड्स का एपिसोड 2 देखेंगे। बाकी सारे एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था म्योंगिल और किमगन की लड़ाई, जिसमें म्योंगिल किमगन की फेस पर एक कट लगा देता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं किमगन हॉस्पिटल में था। उसकी मॉम उसकी ये हालत देखकर काफ़ी उदास और डरी हुई थी। किमगन ट्रीटमेंट के बाद बाहर आता है। उसकी मॉम उससे रोते हुए माफ़ी मांग रही थी। किमगन अपनी मॉम को शांत कराता है और दोनों फिर घर चले जाते हैं। अगली सुबह किमगन चेकअप के लिए वूजिन के साथ हॉस्पिटल आता है। साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी लाता है जो उसकी मॉम ने साइन किए हैं। किमगन बाहर आता है तो वूजिन के पूछने पर पता लगता है कि उसे 30 स्टिचेस लगी हुई है। वूजिन कहता है हमें पुलिस को बताना चाहिए। किमगन को म्योंगिल की कही बात याद आती है, पुलिस के पास गए तो अपनी माँ को खो दोगे। फिर वूजिन कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर समझाता है। म्योंगिल की कंपनी का नाम स्माइल कैपिटल है और बताता है कि किस तरह धोखा देकर उसकी मॉम को फंसाया गया है। फिर वूजिन किमगन को अपने साथ मील के लिए लेकर जाता है और मौका मिलते ही वो किसी से कॉल पर बात करता है। किमगन उसकी बात सुन लेता है। वूजिन एक जान पहचान के लोन शार्क से किमगन के लिए मदद मांग रहा था। किमगन ओवरवेल्म फील करता है। दोनों साथ में खाने के बाद उस लोन शार्क के ऑफिस जाते हैं। वो लोन शार्क किमगन की मदद के लिए मान जाता है, पर बदले में चाहता है कि वो दोनों उसके लिए काम करें और बॉरोवर्स से पैसे वसूलें। किमगन खुद ही वैसी सिचुएशन में फंसा हुआ था और वो गरीब लोगों को हैरेस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो ऑफर मना कर देता है। सीन शिफ्ट होता है। योंजू अपने मिशन पर थी। वो एक बॉरोवर का छिपकर पीछा कर रही थी और उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। योंजू उस आदमी के पीछे पीछे भागती है और उसे पता लगता है कि उस आदमी की स्माइल कैपिटल के डायरेक्टर से मीटिंग है। हाँ, वही आदमी जिसने किमगन की मॉम को फंसाया था। शाम को वूजिन मिलिट्री के अपने एक सीनियर को कॉल करता है जो कि मिस्टर चोई का राइट हैंड भी है, मिस्टर मून। फिर मिस्टर मून किमगन और वूजिन को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और बताते हैं कि मिस्टर चोई कौन है और कैसे एक समय में मिस्टर चोई साउथ कोरिया के बिगेस्ट लोन शार्क मिस्टर बैंक के लिए काम करते थे। अब मिस्टर चोई मिस्टर बैंक के लिए काम नहीं करते और अब उनकी इंटरेस्ट फ्री लोन एजेंसी है। फिर मिस्टर मून बताते हैं कि मिस्टर चोई ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो कि ऑनेस्ट हो, फियरलेस हो और इस फील्ड का थोड़ा नॉलेज रखता हो। मैं कल से ऐसे किसी इंसान की तलाश में हूँ, पर तभी तुम्हारा कॉल आया। मुझे तुम दोनों बहुत पसंद आए, तुम कल मिस्टर चोई से मिल लेना। वूजिन बताता है कि हमें पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपको कॉल किया था। मिस्टर मून कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम भी मिस चोई से मिलने के बाद सॉल्व हो जाएगी। मिस्टर चोई को मिस्टर मून से किमगन और वूजिन के बारे में पता लगता है। तभी योंजू आती है और बताती है यांग जे म्योंग नाम का एक बॉरोवर कुल मिलाकर 400 मिलियन वॉन का लोन ले चुका है और फिर उसने ये सारा पैसा स्माइल कैपिटल के डायरेक्टर को दे दिया। मिस्टर चोई बताते हैं कि यांग जे म्योंग गरीब बेघर लोगों की आईडीज चुराता है और लोन लेता है और इस सब के पीछे किसी और का ही हाथ है। फिर मिस्टर चोय कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कों को देखा है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, पर योंजू मना करके वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में म्योंगिल का बॉडीगार्ड उससे पूछता है सर आपने उस लड़के के चेहरे पर कट क्यों लगाया, जिसके जवाब में म्योंगिल कहता है कि उसने मेरे लोगों के सामने मेरे चेहरे पर थूक कर मेरी बेइज्जती की थी, तो मैं उसे दिखाना चाहता था कि मुझसे भिड़ने का नतीजा क्या होता है। अगले दिन मिस्टर चोई किमगन और वूजिन से मिलने से पहले उनके बारे में और भी बातें पता करते हैं। उन दोनों को मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया गया था, पर मीटिंग के लिए सिर्फ किमगन को ही अंदर जाने दिया जाता है। मिस्टर चोई किमगन से मिलते हैं। मिस्टर चोई किमगन की चोट के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि कुछ गुंडे मेरी माँ के कैफ़े में तोड़ फोड़ कर रहे थे तो उनसे लड़ते वक्त ये चोट लग गई। फिर मिस्टर चोई उसे योंजू के बारे में बताते हैं कि वो बच्ची मेरे साथ काम करती है, मेरे लिए वो मेरी ग्रैंड डॉटर जैसी है और उसे इस काम में जान का खतरा है। मैं एक ऐसे इंसान को उसका बॉडीगार्ड हायर करना चाहता हूँ जो ऑनेस्ट हो और उसको प्रोटेक्ट कर सके।
किमगन जॉब के लिए रेडी था और उसको खुशी भी थी कि इस बार उसे लोन कलेक्ट करने की जॉब नहीं मिली। मिस्टर चोई पूछते हैं, तुमने बॉक्सिंग क्यों शुरू की? किमगन बताता है कि मैं बचपन में स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। जब घर के हालात ख़राब हुए तब डैड ने पीना चालू कर दिया और मॉम पर हाथ उठाने लगे। मैं मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता था। फिर मिस्टर चोई अपना पास्ट बताते हैं, मैं गांव में रहता था, मेरे डैड किसान थे, सूखा पड़ जाने की वजह से फसल नहीं उगी और हम किराया नहीं दे पाए। ज़मींदारों ने मेरे डैड को मारा, पैसे ना होने के कारण हम उनका इलाज नहीं करा पाए और वो बच नहीं पाए। तब से मैंने ठान लिया, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और उन गरीबों की मदद करूंगा जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। मिस्टर चोए पूछते हैं, तुम कुछ और नहीं कहना चाहते? किमगन के पास में और कोई बात नहीं थी, वो उठकर बाहर आ जाता है। अंदर मिस्टर चोई अपने आदमियों से कहते हैं कि उसे पैसों की ज़रूरत लगती है, देखना आज ही वो पूरी हो जानी चाहिए। अगले सीन में वूजिन किमगन के घर पर खाना खा रहा था, तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो पता चलता है कि किमगन को जॉब मिल गई है और उसे वो आदमी एक बैग देते हुए कहता है, इसमें 100 मिलियन वॉन है, तुम्हारी 2 साल की सैलरी, कल से काम पर आ जाना। किमगन खुशी से रोने लगता है और अंदर आकर वो सारी बातें बताता है। वो सब राहत की सांस लेते हैं। उस रात मीटिंग से पहले म्योंगिल की गर्लफ्रेंड इन योंग उसे रोकती है, ये कहते हुए कि जिससे तुम मिलने जा रहे हो वो बहुत शातिर है, मिस्टर होंग भी बहुत शेडी है और उसके साथ उसका कज़न जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर है वो भी साथ है। म्योंगिल अंदर जाता है, मिस्टर होंग और उसका कज़न म्योंगिल को फोर्सफुली ड्रिंक करा देते हैं। कुछ ड्रिंक्स के बाद मिस्टर होंग म्योंगिल को बर्बाद करने की धमकी देता है, क्योंकि म्योंगिल ने ये बात झूठ कही थी कि उसने कभी उसके डैड की हेल्प की थी, और म्योंगिल के ऑफर को मना कर वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। म्योंगिल चिढ़ कर मिस्टर होंग से बदला लेने की सोचता है। अगले दिन किमगन और वूजिन मिस्टर चोई के पास आते हैं, क्योंकि वूजिन को भी काम चाहिए था। वहाँ उन्हें पता लगता है कि उनकी जॉब योंजू के ऊपर डिपेंड करती है और अगर उसने मना कर दिया तो किमगन को वो 100 मिलियन वॉन लौटाने होंगे जो कि उसने पहले ही म्योंगिल को दे दिए हैं। वूजिन किमगन को कहता है कि मैं बात करूंगा, तुम चुप रहना। योंजू के आने पर वूजिन उससे बात करता है पर बात बिगड़ जाती है और योंजू उन दोनों को वहां से चले जाने को कहती है। किमगन योंजू से रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि किस तरह लोन शार्क्स ने उसके साथ फ्रॉड किया। स्माइल कैपिटल का नाम सुनते ही योंजू को इंटरेस्ट आता है और वो उन दोनों को जॉब देने के लिए मान जाती है। फिर उन तीनों के बीच बातें होती है। योंजू बताती है कि वो एक बॉरोअर का पीछा कर रही है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ये लोग होमलेस बनने का नाटक करते हैं और एक्चुअल होमलेस लोगों की आईडी चुराते हैं। मैं चाहती हूँ तुम उन लोगों का पीछा करो और मुझे बताओ कि वो कितनी आईडीज इकट्ठा कर लेते हैं। वो दोनों पीछा करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो होमलेस लोगों से झूठ बोलकर उनकी आईडी ले लेते हैं, ये कहते हुए कि हम गवर्नमेंट की तरफ से हैं और प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हें हर महीने पैसे देंगे। ये एक स्कीम है जिसमें तुम्हारी आईडी लगेगी। ऐसा कहकर वो अब तक में 4 आईडी कलेक्ट कर चुके थे। वो एक और आदमी के पास जाते हैं और यही बातें कहते हैं, पर वो आदमी पहले ही आईडी दे चुका था और वो उन लोगों को पहचान जाता है, जिसके बाद वो ठग्स उस आदमी को मारते हैं। किमगन से ये सब देखा नहीं जा रहा था, वो आगे बढ़ता है। वूजिन उसे रोकता है पर फिर भी वो आगे बढ़ता है और उन ठग्स के साथ भिड़ जाता है। आगे क्या होगा ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।